एक बार पुनः आप सबको नमन और तहे दिल से अभिवादन अनोखी कहानियों के इस मंच पर। आज की कहानी का नाम है बंदर के हाथ में सेब। एक बार एक खुशनुमा बंदर जंगल में पेड़ों पर मौज मस्ती से उछल कूद कर रहा था। भूख लगने पर स्वादिष्ट फल खा रहा था और थकने पर आराम कर रहा था। एक दिन वो जंगल से निकलकर एक पास के गांव में आया। एक घर की खुली खिड़की को देखकर वो अंदर घुस गया। वहां उसने एक कटोरा देखा जिसमें चमकते हुए लाल सेब रखे थे। आप न देखा ताव उसने एक एक हाथ में एक एक सेब उठाया और वापस जंगल में आ गया। उसने सेबों को सूंघा मगर ये क्या, उनमें खुशबू नहीं थी। जब उसने उन्हें खाने की कोशिश की तो उसके दांतों में चोट लग गई। दरअसल वो सेब लकड़ी के बने हुए थे लेकिन वो सुंदर थे और जब दूसरे बंदरों ने उसे देखा तो उसने उन सेबों को और भी कसकर पकड़ लिया। जंगल में वो बंदर अपनी इस नई संपत्ति को हाथों में लेकर शान से घूम रहा था। धूप में लाल चमकते हुए सेब उसे परिपूर्ण लग रहे थे। बंदर को उनसे इतना लगाव हो गया था कि वो अपनी भूख और प्यास की सुध भी खो बैठा था। एक फलों के पेड़ को देखकर उसे याद आया कि उसने दो दिन से कुछ भी नहीं खाया है, लेकिन वो अपने हाथों से उन नकली सेबों का मुंह छोड़ नहीं पा रहा था। भूख प्यास के अलावा उन लकड़ी के सेबों ने उसकी नींद हराम कर रखी थी। वो आराम से सो भी नहीं सकता था क्योंकि उसे डर था कि कहीं दूसरे बंदर उसके सेब उठाकर न ले जाएं। यानी उसे अपने सेबों की रक्षा भी करनी थी। बंदर सेबों के हाथ में लिए गर्वित तो था मगर पहले जैसा खुश नहीं था, चिंतित लग रहा था। सेब अब उसके गले की हड्डी बन गए थे, वे हाथों में भारी लग रहे थे। अब वो बेचारा बंदर उन नकली सेबों को हाथों में उठाए उठाए परेशान हो गया था। वो थका था, भूखा था, न तो पेड़ों पर चढ़ सकता था और न ही अपने हाथों से फल तोड़ सकता था। क्या होगा अगर उसने लकड़ी के सेबों को हाथ से जाने दिया। वैसे इतनी कीमती चीजों को जाने देना पागलपन जैसा था, लेकिन वो और क्या कर सकता था। वो बहुत परेशान हो चुका था और फिर उसने एक बार पुनः सामने पेड़ों पर लटकते हुए उन फलों को देखा जिनकी खुशबू उसकी नाक में बस गई थी। फिर क्या था, उसने लकड़ी के सेब गिराए और अपने भोजन के लिए ऊपर पेड़ पर चढ़ गया। उसे अब उन लकड़ी के सेबों की फिक्र नहीं थी। असली फलों को खाने के बाद वो एक बार फिर से खुश था, मगन था। कहानी खत्म। हाँ, चलिए देखें क्या सबक मिला हमें बंदर की इस कहानी से। यही कि उस छोटे बंदर की तरह हम भी कभी कभी ऐसी चीजों को पकड़कर बैठ जाते हैं जो हमें बहुत मूल्यवान लगती हैं। उन्हें हम छोड़ना नहीं चाहते हैं। हम अपनी छवि को एक अपरिहार्य यानी इंडिस्पेंसिबल के रूप में देखते हैं और उस इमेज को एक चमकदार लकड़ी के सेब की तरह लेकर घूमते रहते हैं। एक ऐसी छवि जिसमें हम यही सोचते हैं कि हमारे बिना कुछ होगा ही नहीं, चाहे हम कहीं भी कार्यरत क्यों ना हो। फिर यह इमेज हमारे जीवन का एक हिस्सा बन जाती है जो हमारी भूख और प्यास सब ले जाती है। सारी चिंताओं और परेशानियों को हम उन लकड़ी के चमकीले सेबों की तरह पकड़ कर रहते हैं, इसी आशय से कि हम सब कुछ ठीक कर लेंगे। कहीं तो हमें लाइन खींचनी पड़ेगी चिंताओं के उन सेबों को गिराकर। अगली बार ऐसी ही मूल्यवान कहानी, ऐसा ही बेशकीमती सबक और ऐसा ही अनमोल फलसफा। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि बात बने तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।